हिमाचल में हिमसितम और इससे जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में दरअसल कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पर्यटन नगरी मनाली में जमकर बर्फबारी हो रही है। यातायात ठप है, बिजली गायब, पानी की किल्लत, लोग परेशान है। राजधानी शिमला में भी दूसरे दिन जमकर बर्फबारी हो रही है। और आपको बता दें शिमला के जाखू, संजौली, ढली में भी बर्फबारी का दौर जारी है। चंबा की अगर बात करें तो चंबा के डलहौजी में भी एक फीट से ज्यादा हिमपात हुआ। दुर्गम इलाकों का संपर्क टूट रहा है। ये देखिए चंबा की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, चंबा के डलहौजी की तस्वीरें। और आपको बता दें कि जमकर बर्फबारी का लुत्फ भी, हिमपात का लुत्फ, स्नोफॉल का आनंद लोग किस तरह से ले रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपको राजधानी शिमला की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें राजधानी शिमला की है और आप देख सकते हैं कि बर्फ की मोटी परत अब पहाड़ों में जमती जा रही है। राजधानी शिमला में भी अब परेशानियां कहीं ना कहीं शिमला वासियों की बढ़ने वाली। तीन अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। किन्नौर, चंबा, शिमला आज सुबह की तस्वीरें हैं और आप देखिए किन्नौर में किस तरह से बर्फबारी हुई। चंबा में भी बर्फबारी का दौर जारी है। राजधानी शिमला में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। तो बीते 48 घंटों से हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी है और अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से पर्यटक भी इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारी टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है और राजधानी शिमला के ठियोग से हमारे साथ सुरेश शर्मा जुड़े हुए हैं और मनाली से हमारे साथ कमलेश बोध भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको मनाली ले चलते हैं। मनाली में मौसम कैसा है ये आपको कमलेश बोध बताएंगे। कमलेश देखिए महिमा, पिछले 3 दिनों से लगातार जो प्रदेश का ऊपरी इलाका है वहां पे लगातार रुक रुक के बर्फबारी हो रही है और पूरा का पूरा जो प्रदेश है शीतलहर की चपेट में आ चुका है। जहां ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है वहीं मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। फिलहाल मैं अभी मनाली की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए कल रात को भी हल्की बर्फबारी एक बार फिर से हुई है महिमा, जिसके बाद जो है पूरी की पूरी घाटी एक बार फिर से सफेद चादर में लिपट गई है। मनाली के बारे में कहना चाहूंगा मैं महिमा, मनाली वैसे ही सुंदर है लेकिन बर्फबारी होने के बाद जो है मनाली में जो है बेहद ज्यादा जो सुंदरता है जो निखर के सामने आती है मनाली की। और जहां जो जितने भी जो सैलानी यहाँ पे आ रहे हैं बर्फ का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन महिमा जो है जैसे ही बर्फबारी शुरू हो जाती है उसके बाद दिक्कतें भी अब शुरू होनी शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं मनाली के आसपास कुल्लू मनाली में जो है दर्जनों ऐसे जो ट्रांसफार्मर में बिजली के ट्रांसफार्मर है जो बंद पड़े हैं, जिसके कारण जो है विद्युत आपूर्ति भी अब जो है बाधित हो रही है और साथ ही साथ जो पेयजल जो है जो पानी की व्यवस्था है वो भी जो है प्रभावित हो रही है। तो ऐसे में दिक्कतें भी आ रही है लेकिन जितने भी जो सैलानी यहाँ पे आ रहे हैं महिमा वो जो है पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही बर्फबारी होती है उसके बाद जो है जमावड़ा जो है हिल स्टेशन की ओर लगना शुरू हो जाता है और ऐसे में जितने भी जो सैलानी जो न्यू ईयर मनाने आए थे उसके बाद जो है वीकेंड में जितने भी जो सैलानी आ रहे हैं उन्हें जो है ताजा बर्फबारी जो है प्रदेश के ऊपरी इलाकों में मिल रही है महिमा। तो इस ताजा बर्फबारी से एक तरफ जहां पर्यटक खुश है लेकिन स्थानीय लोगों की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ठियोग से भी इस वक्त हमारे साथ सुरेश जुड़े हुए हैं। सुरेश, ठियोग की अगर बात करें तो वहां पर मौसम कैसा, क्या अभी भी बर्फबारी का दौर जारी? जी महिमा, मैं आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश का जो नाम है वो हिम के नाम से ही और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर लगातार और मुसीबतें तो कम है लेकिन सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी कई सौगातें लेकर आती है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के दौरान जहां पर सेब की आर्थिकी मजबूत होती है, पर्यटन कारोबार मजबूत होता है, वहीं स्थानीय किसान और बागवान जो होते हैं उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। साल की शुरुआत बर्फ से हो जाए और साल का अंत अगर बर्फबारी से हो जाए तो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और मौसम विभाग के अनुसार पिछले 3 दिनों से जो कयास लगाए जा रहे थे बिल्कुल ठीक उसके अनुकूल बर्फबारी का दौर जारी है। अगर मैं आपको तस्वीरें में आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आप देखें यहाँ पर पूरी पहाड़ियां लकदक हो चुकी है और खूबसूरती के नजारे को निहारने के लिए हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों से भी पर्यटक अब इसकी ओर रुख करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो सर्दियों के मौसम में बच्चे भी खूब उत्साहित रहते हैं, छोटे से बड़े बुजुर्गों बच्चों तक जो है बर्फबारी का एक अपना आनंद होता है, इसको निहारने के लिए लोग बड़े बेताब रहते हैं। एक मनोस्थिति जो किसानों और बागवानों की होती है, आम लोगों की होती है, क्योंकि आर्थिकी से जुड़ा हुआ ये विषय रहता है। आप देखेंगे अगर तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे तो सेब से लदे हुए ये पेड़ है,
जिसके लिए चिलिंग आवर की जरूरत तो होती ही होती है। और माना यह जाता है कि सेब जो है वो ठंड वाले इलाके में होता है, जितनी ज्यादा जहां पर ठंड होती है सेब उतना ही अच्छा वहां पर होता है। तो और सेब की हर टहनी अगर आप अभी देखेंगे तो बर्फ से लदी हुई है, इसमें कीट पतंगे जो बीमारियां लगती है वो बर्फबारी के चलते नहीं लगेगी, स्वच्छ रहेगा और जो प्रोडक्शन होती है उत्पादन होता है वो भी अच्छे से हो पाएगा। और ये जो बर्फबारी हो रही है तो किसानों और बागवानों के लिए खाद का काम जरूर करती है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे प्रकृति को निहारने का जो एक अपना दृश्य है और लगातार अभी जो बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि यातायात अब जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, यहाँ पर बाधित है राष्ट्रीय राजमार्ग 5, जिला का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी और नारकंडा पिछले रात से बंद हो गया है। और एहतियातन तौर पर प्रशासन ने लोगों को बर्फबारी के दौरान घरों से बाहर न निकलने की जो है चेतावनी जारी की गई है, बार बार अलर्ट घोषित किया जाता है। पुलिस के अतिरिक्त जवान राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर लगाए गए हैं, पर्यटन स्थलों पर लगाए गए हैं। और इसके अलावा पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको कहा गया है कि अगर कोई आपके पास रेस्क्यू करना है या अगर कोई मुसीबत में है, दिक्कत में है, तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें, जिला प्रशासन से या नजदीक के जो SDM है उनसे आप जरूर करें। क्योंकि होता यूं है कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ को देखने के लिए बाहरी राज्यों से जो पर्यटक आते हैं वो ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते हैं और एकाएक से भारी बर्फ जब गिरती है तो आवाजाही पूरी तरह से बंद हो जाती है और कई बार वो ऐसे क्षेत्रों तक चले जाते हैं जहां से उनको रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाता है, कई लोगों की जान चली जाती है। तो अभी कमोवेश ये स्थिति है। और बिजली भी अब जो है बाधित होना हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गई, क्योंकि बर्फ से जब तारे जो होती है बिजली की वो बिल्कुल लद जाती है, ढक जाती है और उसमें वो आपस में जॉइंट होती है, बिजली के खंभे टूट जाते हैं। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में खासी दिक्कतों का सामना जो है कहीं ना कहीं लोगों को करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कतें ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बताएं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो स्वास्थ्य सुविधाओं की होती है। मान लीजिए कोई अगर बीमार हो जाता है तो उसको अस्पताल तक पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस मौसम में आवाजाही ठप हो जाती है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आपने हमारे तमाम दर्शकों को दिखाई। मनाली की अगर बात करें कमलेश बो, तो इस बर्फबारी का एक तरफ जहां पर्यटक लुत्फ उठा रहे, बड़ी संख्या में पर्यटक भी आ रहे हैं, पर्यटन कारोबारियों को का इसको लेकर क्या कहना है, पर्यटन कारोबारी कितने खुश और स्थानीय लोगों का क्या कहना है, वो कितने परेशान? देखिए महिमा, जैसे ही बर्फबारी पड़ती है तो उसके बाद जो टूरिज्म को बूस्ट मिलता है, बढ़ावा मिलता है, क्योंकि देखिए जो पीछे जो मई जून का जो समय था कोरोना के कारण जो है पूरी तरह से प्रभावित हुआ था महिमा, उसके बाद आस जगी थी कि जो है दशहरा सीजन चलेगा। हालांकि दशहरा सीजन भी थोड़ा बहुत चला, लेकिन उसके बाद जो जैसे ही जो ये त्योहारी सीजन आया, क्रिसमस और न्यू ईयर में जो भारी तादाद में जो है पर्यटकों ने जो है प्रदेश के ऊपरी इलाकों की और जो है जितने भी जो हिल स्टेशन शिमला, धर्मशाला, मनाली, डलहौजी यहाँ की ओर रुख किया और भारी तादाद में जो है सैलानी यहाँ पे आए। तो ऐसे में पूरे का पूरा जो जितने भी जो पर्यटन स्थल थे वहां के जितने भी जो कारोबारी थे उन्होंने जो है यहाँ पे जैसे ही सैलानी आए तो उसके बाद जो यहाँ का टूरिज्म जो है चल पड़ा। और नया हालांकि त्योहार सीजन जो है खत्म हो चुका है, लेकिन जिस तरह से जो बर्फबारी महिमा लगातार हो रही है, हर दूसरे तीसरे दिन बर्फबारी हो रही है, तो सैलानी जो है अभी भी जो है काफी तादाद में आ रहे हैं। बढ़ती बर्फबारी से पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और बर्फबारी सौगात लेकर आई है हिमाचल वासियों के लिए भी, हिमाचल के पर्यटन कारोबार के लिए भी। शुक्रिया कमलेश बोध और सुरेश शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। अब आपको शिमला से बड़ी खबर बताते हैं। शनिवार को दरअसल शिमला शहर में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते तापमान में भी काफी भारी गिरावट आई और लोग ठंड में ठिठुरने को मजबूर है। राजधानी शिमला में लोग काफी समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। खास बात यह है कि बाहरी राज्यों से आए पर्यटक बर्फ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शिमला में बर्फ पड़ती देख सुबह ही पर्यटक रिज मैदान पर पहुंच गए। पर्यटकों का कहना है कि बर्फबारी देखने ही वो राजधानी शिमला पहुंचे थे और आज सुबह बर्फ देखने की हसरत भी उनकी पूरी हो गई। अब आपको राजधानी शिमला के रामपुर इलाके ले चलते हैं, जहां पर बर्फबारी के बाद पर्यटक मस्ती करते नजर आए और प्रशासन की ओर से सड़क बहाल को कम करने के लिए भी सड़क बहाली का काम भी फिलहाल जारी है।
इस बर्फबारी से प्रदेश के बागवानों को भी फायदा मिलेगा और सेब की फसल बेहतर अच्छी हो सकेगी। बर्फबारी की वजह से लोगों की दुश्वारियां भी हालांकि बढ़ रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे कितने खुश हैं। स्थानीय लोगों की मुश्किलें कहीं ना कहीं बड़ी है। और अगर पर्यटकों की बात करें तो पर्यटक इस बर्फबारी का लुत्फ जमकर उठा रहे थे। लोगों का कहना है कि वो इस बर्फबारी को देखने के लिए हिमाचल प्रदेश आए थे और अब उनकी मुराद पूरी हो चुकी है। आगे जा नहीं पा रहे कल्पा, जा नहीं पा रहे, फंस गए हैं यहाँ पे, यहीं पे बर्फ, लेकिन यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, स्नो घूमने के लिए आए हैं। तो जिस हिसाब से हम उम्मीद करके आए थे स्नो के बारे में, तो बहुत स्नो है, अच्छा लग रहा है बहुत। स्थिति आज सुबह से 7 बजे से बर्फ पड़नी शुरू हुई है और 10 बजे तक काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। उसके बाद थोड़ी रुकने के बाद रोड खोल दिया था, लेकिन उसके बाद दोबारा भारी बर्फबारी है। अब आपको किन्नौर ले चलते हैं। किन्नौर में भी एक बार फिर बर्फबारी शुरू हुई। बर्फबारी से ऊंचाई वाले क्षेत्र के दर्जनों सड़क संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं और ऐसे में वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। जिला मुख्यालय रिकांगपियो में भी वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से फिलहाल चल रही, लेकिन इसी तरह से बर्फबारी अगर जारी रही तो वहां पर भी वाहनों के पहिए थम सकते हैं। जानकारी दे रहे किन्नौर से हमारे संवाददाता अनिल नेगी।